महिला थाने में महिला सुरक्षा सखी की मीटिंग हुई आयोजित, साइबर क्राइम को लेकर भी दी गई जानकारी। चुरू के महिला थाने में मंगलवार को सुरक्षा सखी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में महिलाओं को उनके अधिकारों से रूबरू करवाया गया और महिला अपराध तथा साइबर क्राइम संबंधी जानकारी भी दी गई। महिला अधिकारिता विभाग की ब्लॉक सुपरवाइजर कृष्णा ने बताया कि सुरक्षा सखी परिवादी और पुलिस के बीच सेतु का काम करती है, जो महिलाओं की समस्याओं से पुलिस को अवगत करवाती है और महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करती है। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा सखी को अब साइबर क्राइम को लेकर भी जानकारी दी गई है, ताकि वह गांव में लोगों को साइबर क्राइम को लेकर जागरूक कर सके, ताकि इस अपराध पर भी अंकुश लग सके। बैठक में महिलाओं को कानूनी और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। बैठक में सुरक्षा सखियों ने बढ़ती घरेलू हिंसा पर चिंता व्यक्त की और कहा कि महिलाएं घर की दहलीज में भी सुरक्षित नहीं है। घरेलू हिंसा के मामले पढ़े लिखे घरों में भी हो रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं। सुरक्षा सखी के लिए साथियों को बुलाया गया है और उनकी मीटिंग रखी गई है। मीटिंग का मेन ढांचा इनको समझाया गया है कि सुरक्षा सखी है वो गांव के और पुलिस के बीच एक सखी का काम करेंगी। इन चीजों को समझाते हुए चीज बताई गई है। साइबर क्राइम जैसा अपन लोगों को विदित है कि अननोन नंबर से फोन वगैरह आते हैं, वो ओटीपी और अकाउंट नंबर पूछने का प्रयास करते हैं और बिना सोचे समझे कई बार ये चीजें बता भी दी जाती है, जो बहुत बड़ा नुकसानकारी होता है। इन चीजों से निपटने के लिए इनकी बैठ के लिए जाए गांव में, अवेयर किया जाए लोगों को इस